अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6। तो इस चैप्टर के अंदर हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी एनवायरनमेंट क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और उन कंपोनेंट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो इसके हम इंट्रोडक्शन की आज बात करते हैं। तो एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इज़ इट्स एनवायरनमेंट, कि एक ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके माहौल के अंदर आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर, तो हमारे इर्द गिर्द जो से प्लांट्स आ रहे हैं, इंसेक्ट्स आ रहे हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं वो बेशक नॉन लिविंग हैं या लिविंग हैं, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आ रही हैं। तो लाइफ इज़ नॉट सेम ऑन एवरी पार्ट ऑफ अर्थ, कि हमारी जो लाइफ है वो हर एक हिस्से के ऊपर सेम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नारवल के अंदर देखते हैं, तो नारवल के अंदर जो सी गोट्स होंगी वो एक स्पेसिफ़िक नंबर के अंदर होंगी, या अगर यहाँ पे कोई भी प्लांट्स हैं तो वो एक स्पेसिफ़िक नंबर के अंदर हैं। तो यही अगर हम किसी और जगह पे चले जाते हैं तो वो उनका नंबर डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे वो और तरह के हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर या अमेरिका के अंदर वो डिफरेंट होंगे। तो ये जो हमारी लाइफ है ये हर जगह के ऊपर सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। इसी तरीके से हमारी जो कंडीशंस हैं वो भी वेरी कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर आप देखते हैं तो अंटार्कटिका के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है, इसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो यहाँ एक मॉडरेट मौसम है। और अगर इसी तरीके से हम अगर जैसे अरेबियन कंट्रीज़ में देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और वहाँ पर सहराई इलाका है। तो ये जो कंडीशन है इन्वायरमेंट की, ये भी हर जगह के ऊपर डिफरेंट है। इसीलिए इन डिफरेंट कंडीशंस की वजह से अगर हम देखते हैं तो इनकी वजह से जो उनसे हमारे एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, वो भी हर जगह पे डिफरेंट हैं। क्योंकि अगर आप ख़ुद भी देखते हैं तो जैसे पहाड़ी इलाकों के जानवर हैं वो और तरह के होते हैं, जो उनसे हमारे मैदानी इलाकों वाले हैं वो और तरह के हैं। तो ये कंडीशंस डिफरेंट हो गई। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो जो बर्फीले इलाकों के अंदर एंटार्क्टिका में है तो वहाँ पर पेंगुइन्स पाए जाते हैं, पर हमारे इन इलाकों में पेंगुइन्स नहीं है क्योंकि कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इस तरीके से जब कंडीशंस वेरी कर रही हैं तो हमारी जो लाइफ है वो भी वेरी कर रही है। तो जितनी भी लाइफ है हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है हर वक्त। कि अगर हम देखते हैं तो एक सबसे सिंपल एग्जांपल है कि प्लांट्स ऑक्सीजन वो प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब प्लांट्स का मकसद हमें ऑक्सीजन देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर निकाल रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं कि उनसे जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। और इसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं और प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या कर रहे हैं कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पानी एक नॉन लिविंग है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी से हम वॉशिंग कर रहे हैं, हम पानी को पी रहे हैं। तो हम इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी और नॉन लिविंग थिंग्स से भी। इसी तरीके से हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अज्जा, कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर। तो हमारी जो एनवायरनमेंट है या माहौल है, बेसिकली उनके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कि अगर हम सोचते भी हैं, देखते भी हैं, तो क्या है कि या तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हमारे एनवायरनमेंट के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है बायोटिक कंपोनेंट, जिसे हम लिविंग में कंसिडर करते हैं, बायो मतलब लाइफ, तो इसलिए इसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो एक लिविंग पार्ट है हमारी एनवायरनमेंट का, दूसरा क्या है, एबायोटिक। ए का मतलब होता है नॉट, कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एबायोटिक कंपोनेंट्स देखते हैं तो आपका एयर आ गई, वाटर आ गया, लाइट आ गई, टेम्परेचर, सॉइल आ गई, ये सारे आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। तो हम बायोटिक कंपोनेंट्स को आगे डिस्कस करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, और इनको देखने के लिए हमें स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और
जिसको वो फूड लेने के तौर पे या किसी और पर्पस के लिए वो जो उनसे हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे से वो उनका रिलेशन है। तो मेन जो चीज़ है इनके रिलेशन के अंदर वो फूड ही है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो हम लोग प्लांट्स के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं कि उनको काट के हम उनसे अपनी खुराक ले रहे हैं या हम एनिमल्स से खुराक ले रहे हैं, इसी तरीके से डिफरेंट एनिमल्स मुख्तलिफ एनिमल्स से ही खुराक ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन है, वो क्या करेगा, डियर का शिकार करेगा, उसने उससे ये उसका इंटरेक्शन है कि उसने शिकार किया है, तो वो शिकार किस लिए करेगा कि वो उससे फूड ले रहा है। इसी तरीके से डिफरेंट जो प्लांट्स एनिमल्स हो गए, ये सारे आपस में जो से लिंक्ड होते हैं, क्योंकि जो से जितने प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों का या बाकी एनिमल्स का जो से इंटरेक्शन है प्लांट से वो इस तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर मेन थ्री चीज़ें जो से है वो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से आपको जैसे इसके वर्ड से ही जाहिर हो रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ से एनर्जी की जो से है वो स्टार्ट हो रहा है। प्लांट्स क्या कर रहे हैं कि वो अपनी फूड खुद बना रहे हैं, वो किसी से भी फूड ले नहीं रहे। अगर आप देखते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं कि वो एनवायरनमेंट से लाइट ले रहे हैं, सॉइल से पानी ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो वो अपनी फूड की प्रोडक्शन कर लेते हैं जिसे ग्लूकोज का नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से प्लांट्स को हम जो है प्रोड्यूसर कहते हैं, और ये जिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि जब ये फूड प्रोड्यूस करते हैं तो ये ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसके थ्रू जो है बाकी सारे एनिमल्स हैं वो रिस्पायर करते हैं या सांस लेते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आगे से मज़ीद बायोटिक कंपोनेंट्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।